मोदी सरकार बड़ निष्पत्ति सुप्रीम मोहर। जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद मामलें सर्वोच्च अदालत बड़ राय। केंद्र सरकार और राष्ट्रपति द्वारा निया निष्पत्ति वैध। सुप्रीम कोर्ट राय को ऐतिहासिक कहले प्रधानमंत्री। जम्मू काश्मीर विवादियों धारा 370 उच्छेद कर 4 वर्ष तले ऐतिहासिक निष्पत्ति मोदी सरकार तापर मोहर मारी देशर सर्वोच्च अदालत। केन्द्र निष्पत्ति विरोध में होता मामलें गुरुत्वपूर्ण राय देखते सुप्रीम कोर्ट। प्रधान विचारपति डीवाई चंद्रचूड़ को नहीं गठित सुप्रीम कोर्टर 5 जणिया खंडपीठ कहते जम्मू काश्मीर धारा 370 और 35 उच्छेद और जम्मू काश्मीर और लद्दाख को केन्द्रशासित अंचल घोषणा बेआईन नुहे। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve 2 purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession. निज राय रे सुप्रीम कोर्ट कहले धारा 370 एक अस्थायी व्यवस्था थिला। राष्ट्रपति को पाखरे एहाकु उच्छेद करिवार अधिकार थिला। जम्मू काश्मीर रो स्वतंत्र मान्यता समाप्त करिवा नै 2019 रे राष्ट्रपति को निर्देश वैध। धारा 370 उच्छेद पछरे कोनोसी मंद उद्देश्य नथिला। जम्मू काश्मीर भारतर अभिन्न अंग, एहा देशर अन्य राज्यगुडीक सह समान। एहार कोनोसी स्वतंत्र आंतरिक सार्वभौमत्व नाही। भारतीय संविधान समस्त व्यवस्था जम्मू काश्मीर रे लागू हो पार। एथसह केन्द्रशासित अंचल जम्मू काश्मीर को तुरंत राज्य मान्यता देवाकू केन्द्र सरकार को निर्देश देते सुप्रीम कोर्ट। 2024 सेप्टेम्बर 30 सुधा जम्मू काश्मीर में साधारण निर्वाचन कराइबाकू निर्वाचन कमिशन को कहते सर्वोच्च अदालत। अर्थात आसंता 9 मास मध्य जम्मू काश्मीर में निर्वाचन कराइबाकू हेबो। निर्वाचन कराइबाकू प्रस्तुत बोली केन्द्र सरकार अदालत रे जणाइछन्ति। मैं उसका स्वागत करता हूँ क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था वो बात और है, लेकिन लीगल दृष्टिकोण से न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है, एक तो बात ही होगी। इस जजमेंट का वेलकम करता हूँ क्योंकि ये जजमेंट भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के सीनियर मोस्ट 5 जजेज द्वारा दिया गया जजमेंट है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था। आर्टिकल 370 रिवोक के बाद यहाँ पे जो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई। आपको तो पता ही है कि आर्टिकल 370 से पहले तो यहाँ पे तो टूरिज्म का उतना फ्लो था नहीं, तो आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो टूरिज्म में भी बहुत बूस्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट के राय को ऐतिहासिक बोली कहते प्रधानमंत्री। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स रे मोदी लिखिछन्ति धारा 370 उच्छेद नहीं सुप्रीम कोर्ट को राय। 2019 रे भारतर संसद द्वारा निया जायतिबा निष्पत्ति को संवैधानिक भावे कायम रखुछि। यह जम्मू काश्मीर और लद्दाखर भाई और भौणी नुआ आशा। प्रगति और एकता चमत्कार घोषणा। अदालत निजर गहन ज्ञान बल में एकतार मूल तत्व को मजबूत करिछन्ति, जेउथिपई आमे सबु भारतीय सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि और सबुठारु प्रिय बोली मानन्ति। प्रधानमंत्री कहिछन्ति जम्मू काश्मीर और लद्दाखर लोकों को आश्वस्त करबाकु चाहुंछि, आपण को स्वप्न साकार करबा आम पई अतुट प्रतिबद्धता। यह राय एक आईनगत निष्पत्ति नुहे, एक आशार किरण, एक उज्जवल भविष्य प्रतिश्रुति, एक मजबूत अधिक एकजुट भारत निर्माण पर आमर सामूहिक संकल्पर प्रमाण। केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य सुप्रीम कोर्ट का राय को स्वागत करिछन्ति। एक्सरे केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान लिखिछन्ति धारा 370 उच्छेद प्रसंगे उच्चतम न्यायालय राय को स्वागत और अभिनंदन कर। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।